बाबा क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। और जिस घड़ी का इंतजार था कल की 2898 इस मूवी के ट्रेलर का, भाई लोगों वो ड्रॉप आउट हो चुका है। ट्रेलर बहुत औसम है और अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत लोगों ने इस ट्रेलर को देख भी लिया होगा। मैं लेट हो चुका हूँ लेकिन भाई मुझे लगा कि भाई सब वीडियो बनानी चाहिए, अपने कुछ ओपिनियंस रखने चाहिए जो लोगों को शायद पसंद आए, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने साथ हमारे साथ डिस्कशन करके जाना। बाकी शुरुआत करें अगर ट्रेलर की तो भाई ट्रेलर बहुत बहुत प्रॉमिसिंग है। जैसा हम अभी तक उम्मीद कर रहे थे, जो भी आगे जाके जो पिछले टाइम पर हमें ग्लिम्स देखने को मिले, कल उससे डेडिकेटेड इंट्रोडक्शन देखने को मिले, लाइक अश्वत्थामा, बुज्जी एंड भैरवा का इंट्रोडक्शन, वो सब चीज एज इट इज भाई ट्रेलर में भी देखने को मिला है। और ट्रेलर कहीं ज्यादा प्रॉमिस करके जा रहा है कि मूवी में इतना सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है डेफिनेटली। तो भाई सब सीट बेल्ट सब कुछ बांध के तैयार हो जाओ, 27 जो जून आने वाली है उस दिन के लिए अपना खाली पूरा टाइम कर लो, क्योंकि भाई मूवी आप अगर मिस कर जाओगे तो बहुत बड़ी चीज मिस कर जाओगे, क्योंकि मूवी फुल इंटरनेशनल लेवल की होने वाली है। हॉलीवुड में डंका बजने वाला है इस मूवी का, क्योंकि नाग अश्विन की जो विजन है ना, उस विजन को जिस हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ट्रेलर में ही, 3 मिनट 2 सेकंड का कुछ ट्रेलर था, इसमें ही भाई साहब बहुत आइडिया लग चुका है कि भाई नाग अश्विन छोटा मोटा खेलने वाला नहीं है, बाबा दमदार गेम खेलने वाला है और स्टेज फाड़ने वाला है। वीएफएक्स की अगर बात करें तो भाई साहब वीएफएक्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। देन उसके बाद हॉलीवुड की स्टार वॉर्स या मूवी हो गई, और भी कोई डिस्टोपियन एरा की मूवी हो गई, भाई उससे थोड़ा बहुत सिमिलरिटी देखने को मिली है, लेकिन इंडियन सिनेमा में वो सारी चीज़ें इतनी फाइन तरीके से दिखाना, रिप्रेजेंट करना, इम्प्लीमेंट करना, देन उसके बाद उसको टच कराना, क्योंकि हमने भाई हॉलीवुड का बहुत सा ऐसा कंटेंट अपने दिमाग में भर रखा है और ऑटोमेटिक कंपैरिजन वहाँ दिख जाता है, छोटी मोटी कमियाँ दिखती हैं तो भाई साहब सीधे पकड़ में आ जाती है, लेकिन ये मामला पूरा लेवल मैच कर रहा था डेफिनेटली। बाकी अगर बात करें कि भाई साहब पूरे ट्रेलर में हुआ क्या है और मूवी में मिलने क्या वाला है, तो अभी तक जो प्रभास को कल्कि समझा जा रहा था, भाई कल्कि का रोल प्ले ये फिलहाल नहीं करने वाला है। दीपिका पादुकोण का एक अलग एंगल देखने को मिल रहा था, लेकिन दीपिका पादुकोण अपने गर्भ में कल्कि को जन्म देने वाली है, यानी भगवान को जन्म देने वाली है। जो अश्वत्थामा कहता है कि भाई मुझे सिर्फ एक ही की रक्षा करनी है और मैं उसकी रक्षा करूंगा, यानी दीपिका पादुकोण से कहता है कि मैं तेरे को सेव करने वाला हूं, लेकिन जो लाइफ जो लड़ाई दिखाई जा रही है जिस लोकेलिटी में, जिस जगह पर भैरवा अश्वत्थामा ये सब लोग रहते हैं, वहां पर बेसिक नीड की बहुत कमी है। वो चाहते हैं कि एक ऐसी स्मार्ट सिटी में चले जाएं, और कहानी शुरुआत हो रही है काशी से, और काशी ही एकमात्र एक ऐसा लास्ट शहर बचा है जहां पर जीवन यापन इजीली हो पा रहा है लोगों का, लेकिन वहां पर एक स्मार्ट सिटी है जो उल्टा पिरामिड करके दिखाया जा रहा है। बाकी की जो गुत्थम गुत्था यही रहेगी उस स्मार्ट सिटी में कैसे पहुंचा जाए, तो भैरवा की भी मदद लेंगे, अश्वत्थामा की भी मदद लेंगे, लेकिन इन दोनों की लड़ाई अलग होने वाली है। वहां का जो एसोसिएट है, जो यास्किन कुछ गॉड करके बताया है, उसका जो एसोसिएट है वो दीपिका को मारने के लिए भेजेगा, जो हमें भैरवा वहां पर जाते हुए दिखा था, एंड अश्वत्थामा तुरंत आया और भैरवा को एक हाथ से उठा के उधर दूर जाके पटक दिया। तो भाई इन दोनों की लड़ाई होने वाली है स्टार्टिंग में, देन आगे जाके क्या कहानी होगी वो आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल फर्स्ट पार्ट के लिए तो इन्होंने मोटा मोटा आइडिया दे दिया है। भाई अश्वत्थामा अमिताभ बच्चन लुकिंग वेरी वेरी ड्रास्टिक एंड सैवेज, क्योंकि एक पांव से बुज्जी मतलब भैरवा की कार को रोक दे रहे हैं, अपने चार चार हाथ मतलब चार बंदों को उठा के पटक दे रहे हैं, अपने हाथों से उठा रहे हैं, भैरवा को एक हाथ से दूर फेंक दे रहे हैं, और भी मैजिकल थिंग्स देखने को मिलने वाली हैं। तो भाई ट्रेलर तो बहुत प्यारा है, मूवी इतनी प्यारी हो जाएगी जिस हिसाब से ट्रेलर दिखाया गया है, क्योंकि 600 करोड़ का बजट इसका दिखाया जा रहा है और 600 करोड़ के हिसाब से सब कुछ औसम है, और 600 करोड़ के हिसाब से पहले भी ऐसा चूतिया कट चुका है हम लोगों का, तो वैसा ना कटे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी भाई साहब एक आध मोमेंट पर हमें महाभारत का सीन भी देखने को मिलेगा, जहां पर पीछे से अमिताभ बच्चन का लुक देखने को मिला है, जो महाभारत में तबाही मचाते डेफिनेटली नजर आएंगे एज अश्वत्थामा। तो भाई मजा तो आने वाला है। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका ऑनलाइन वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप लोगों में से किन किन ने इस ट्रेलर को देख लिया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके हिसाब से स्टोरी क्या होने वाली है जरूर प्रिडिक्ट करके जाना, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर डिस्कशन करके जाना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी। जय हिंद।